खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है, इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी, मैं समझता ये उत्तम समय है, नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे, आप भी सबको यही बताइए, डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चिंता करनी है। आइए अब हम देहरादून चलते हैं आसाम से। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। चलिए, हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, काफी लोग दिख रहे हैं सब। मोदी जी को सादर प्रणाम। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, वेज पुलाव, पालक पनीर कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। वाओ, ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक, बढ़िया। MDH, MDH। खुदी को आजमाया।